हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, यानी हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है और किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ये जो 100 यहां पर है ये 1 के अपॉन में आ जाएगा यहां पर। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं तो 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जितने सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है 1/100 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है तो हमने लिखा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 × 5 और अब ये चेंज हो जाएगा मीटर में। अब यहां पर देखिए न्यूमरेटर में 1 है और यहां न्यूमरेटर में 5 है, तो 5 × 1 = 5 होता है। तो यहां न्यूमरेटर में 5 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब यहां पर 1 है, तो 100 × 100 होता है। तो यहां डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया है? 5/100 मीटर। अब हमें इस 5 को 100 से डिवाइड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो अगर हम ये 2 जीरो हटा देंगे तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहां पर न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में हमें क्या दिख रहा है? 5। यहां कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डेसिमल यहां लास्ट में होता है। तो अगर डिनोमिनेटर से हमने 2 जीरो हटाई हैं तो यहां पर जो ये डेसिमल है ये 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर न्यूमरेटर में है 5 और हमें यहां पर जो ये डेसिमल है इसको 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो पहले इसने 5 को क्रॉस किया, 5 के बाद 1 डिजिट और क्रॉस करनी है, तो यहां पर और कोई डिजिट नहीं है तो हम यहां पर 0 लगाएंगे और ये डेसिमल यहां पर आ जाएगा। अब देखिए पहले ये डेसिमल यहां था, इसने 2 डिजिट क्रॉस करी, डेसिमल यहां आ गया और डेसिमल के लेफ्ट में हम यहां पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया है? 0.05 मीटर। इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। इसके बाद हम 5 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, यानी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो अगर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू होगा ये 1000, यहां पर 1 के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम चेंज तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कर रहे हैं जबकि यहां पर हम यूज मीटर को और किलोमीटर को कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, हम 5 सेंटीमीटर को ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं 0.05 मीटर में, यानी कि हम इस 0.05 मीटर को यूज करके इसको किलोमीटर में चेंज करके दिखा देंगे, क्योंकि 0.05 मीटर और कुछ नहीं है बल्कि 5 सेंटीमीटर ही है। तो अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है तो 0.05 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आपको सिंपली 1/1000 को मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जिसे आपको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो यहां पर हमें 0.05 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमने क्या लिखा, 0.05 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 × 0.05 और अब ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर में। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में 1 है और यहां न्यूमरेटर में 0.05 है, तो जब हम 0.05 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05। तो यहां पर न्यूमरेटर में 0.05 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 1000 है, यहां इसके नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब 1 है, तो 1000 × 1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। तो 0.05 मीटर इज इक्वल टू क्या आ गया है? 0.05/1000 किलोमीटर।
अब हमें इस 0.05 को डिवाइड करना है 1000 से। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में तीन जीरो हैं, तो हम जब ये तीन जीरो हटाएंगे डिनोमिनेटर से, तो फिर हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। डेसिमल यहाँ पर है, देखिए 0.05, यानी कि डेसिमल ये रहा। तो जब डिनोमिनेटर से हमने तीन जीरो हटाई, तो ये डेसिमल यहां से तीन डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि डेसिमल पहले कहां पर था, 5 और 0 के लेफ्ट में, यानी कि ये 5 है ये 0 है, तो ये डेसिमल यहां था। लेकिन क्योंकि हम डिनोमिनेटर से 3 0 हटा रहे हैं, तो ये डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना है। तो हमने यहां पर एक 0 लगाई, फिर 2 0 और फिर 3 0, तो डेसिमल जो यहां था, यहां से देखिए एक डिजिट को क्रॉस किया, दूसरी डिजिट को क्रॉस किया और तीसरी डिजिट को क्रॉस किया और डेसिमल यहां पर आ गया। और इस डेसिमल के लेफ्ट में हमने ये 0 लगा दी। इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है। तो 0.05 मीटर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0. फिर ये 4 टाइम 0 एंड 5 किलोमीटर, यानी 0.05 मीटर इज इक्वल टू 0.00005 किलोमीटर आ गया है। अब अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो हमें चेंज तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना था, जबकि यहां पर हमने क्या किया, 0.05 मीटर को किलोमीटर में चेंज करके दिखा दिया। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो 5 सेंटीमीटर और 0.05 मीटर एक ही बात है, क्योंकि हमने पहले 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज किया था, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आया था, 0.05 मीटर। तो ये जो 0.05 मीटर है, इसकी जगह पर हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.00005 किलोमीटर। इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी चेंज करके दिखा दिया है। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, यानी हमें 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर मीटर में भी कन्वर्ट करना है और फिर किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू ये वाला जो 10 है, यहां 1 के अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 1 मिलीमीटर में 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 35 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो यहां पर आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो जितने मिलीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 1/10 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहां पर हमें 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिखा 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 35, ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब देखिए यहां न्यूमरेटर में 1 है, यहां न्यूमरेटर में 35 है, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 1 35 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 35 आ गया। यहां डिनोमिनेटर में 10 है, यहां 35 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 10 इंटू 1 10 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 10 आ गया। तो 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू आ गया है 35/10 सेंटीमीटर। अब हमें इस 35 को डिवाइड करना है 10 से। अब देखिए यहां डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो हम इस एक जीरो को यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। तो यहां न्यूमरेटर में लिखा है 35, तो यहां तो कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, तो जब डेसिमल कहीं ना हो, तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है। तो अगर डिनोमिनेटर से हम एक जीरो हटाते हैं, तो ये डेसिमल यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो डेसिमल यहां पर था, ये एक डिजिट लेफ्ट की तरफ आएगा 3 और 5 के बीच में। तो देखिए यहां ये 3 और 5 के बीच में आ गया, तो 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हम 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि 35 मिलीमीटर को हम ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया था, 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसी 3.5 सेंटीमीटर को यूज करेंगे और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और ये 3.5 सेंटीमीटर और कुछ नहीं है बल्कि 35 मिलीमीटर ही है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स
कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये 100 यहां पर 1 के नीचे अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो यहां पर आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो जितने सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है 1/100 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर हमें 3.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने लिखा 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 3.5, और अब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब यहां न्यूमरेटर में 1 है और यहां न्यूमरेटर में 3.5 है, तो 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आएगा। तो देखिए यहां न्यूमरेटर में 3.5 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, यहां 3.5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, तो 100 इंटू 100 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ गया है 3.5/100 मीटर। अब हम इस 3.5 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो हम ये 2 जीरो हटा देंगे डिनोमिनेटर से और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। डेसिमल यहां पर है 3.5, यानी 3 और 5 के बीच में। अब जब हम डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटाएंगे तो ये न्यूमरेटर में जो ये डेसिमल है ये 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 5 और 3 ये तो यहां पर एज इट इज आ गए, लेकिन ये जो डेसिमल पहले 3 और 5 के बीच में था ये यहां से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो पहले इसने 3 को क्रॉस किया, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहां पर हमने 0 लगाई, तो अब ये 3 और 0 को क्रॉस करके यानी 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा, और डेसिमल के लेफ्ट में हम ये 0 लगा देंगे। ये जो 0 हम लगाते हैं इससे इस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, ये वाला जो 0 है डेसिमल के लेफ्ट में। तो 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 0.035 मीटर। लेकिन हमें तो 35 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना था। अब अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो 35 मिलीमीटर को ही हमने जब सेंटीमीटर में चेंज किया था तो क्या आया था? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर और कुछ नहीं है बल्कि 35 मिलीमीटर ही है। तो हम इस 3.5 सेंटीमीटर की जगह यहां पर लिखेंगे 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.035 मीटर। तो इस तरह से हमने 35 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करके दिखा दिया है। अब हम चेंज करेंगे 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हमने 35 मिलीमीटर को चेंज करके दिखाया था मीटर में और हमारा आंसर आया था 0.035 मीटर। तो हम उसी 0.035 मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में, क्योंकि 0.035 मीटर और कुछ नहीं है बल्कि 35 मिलीमीटर ही है। तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो अगर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू, ये वाला 1000 यहाँ 1 के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अगर 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं तो 0.035 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो जितने मीटर को आपने किलोमीटर में चेंज करना है 1/1000 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हमें 0.035 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो हमने लिखा 0.035 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 0.035, ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर में। अब यहां न्यूमरेटर में 1 है और यहां न्यूमरेटर में 0.035 है, तो 0.035 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 0.035। यहां पर डिनोमिनेटर में 1000 है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, तो 1000 इंटू 1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। तो 0.035 मीटर इज इक्वल टू आ गया है 0.035/1000 किलोमीटर। अब हम इस 0.035 को डिवाइड करेंगे 1000 से। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, तो हम ये 3 जीरो हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। देखिए डेसिमल ये रहा,
अगर आप राइट से चेक करें तो 5, 3 और 0 के बाद यहाँ पर डेसिमल है, तो जब हम डिनोमिनेटर से 3 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे होगा, देखिए डेसिमल के बाद क्या है, 0, 3, 5, तो ये 0, 3, 5 ये तो एज इट इज रहा, तो इस 0 के लेफ्ट में यहाँ पर डेसिमल था और ये डेसिमल कितना डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना है, 3 डिजिट। तो हमने यहाँ पर देखिए 1 0 लगाया, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 0, और यहाँ पर जो ये डेसिमल था इसने पहले इस 0 को क्रॉस किया, फिर इस 0 को क्रॉस किया और फिर इस 0 को क्रॉस किया, यानी 1, 2, 3 डिजिट यहाँ से ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। और इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 लिख सकते हैं, इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है। तो 0.035 मीटर इज इक्वल टू आ गया है 0.00035 किलोमीटर, लेकिन हमें तो 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना था स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा कि ये जो 0.035 मीटर है ये और कुछ नहीं है बल्कि 35 मिलीमीटर ही है, तो इसकी जगह हमने लिखा 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.00035 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करके दिखा दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।